नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये 20 फीट बाई 40 फीट का एक प्लॉट है और इस प्लॉट के लिए हमने एक घर का नक्शा बनाया हुआ है। यदि आप इस होम प्लान से घर बनाते हैं तो आपका घर कुछ इस तरीके से दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका घर दिखने में कुछ इस तरीके से खूबसूरत दिखे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले 20 फीट बाई 40 फीट का यह होम प्लान हम आपसे शेयर करते हैं। होम प्लान शेयर करने के बाद हम आपको बताएंगे कि सामने की यह डिज़ाइन आपको किस तरीके से बनानी है। तो सबसे पहले यदि हम इस प्लान के साइज़ की बात करें तो 20 फीट बाई 40 फीट का है, यानी कि यदि आपका प्लॉट 20 फीट बाई 40 फीट का है तो यह नक्शा आपके लिए है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन सा रूम कहाँ पर है और कितने बाई कितने का है। तो ये आपका फ्रंट है। फ्रंट पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको MG यानी कि मेन गेट मिलेगा। मेन गेट में आप देख सकते हैं कि पार्किंग है। यदि हम पार्किंग के साइज़ की बात करें तो 15 फीट बाई 9 फीट है। 15 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है और 9 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। और कार पार्किंग से सटा हुआ आपका किचन है। यदि हम किचन के साइज़ की बात करें तो 9 फीट 1 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और 9 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। और किचन में एक विंडो यहाँ पर है। और यदि हम किचन के डोर की बात करें तो आप देख सकते हैं कार पार्किंग में यहाँ पर एक डोर दिया गया है। यहीं से आप घर के आंगन में प्रवेश करेंगे। घर के आंगन में आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप किचन में आएंगे। तो कार पार्किंग एरिया से आप घर के आंगन में प्रवेश करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसी डोर से आपको घर के अंदर प्रवेश करना है। घर के आंगन में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको BTWC यानी कि बाथरूम मिलेगा। यदि हम बाथरूम के साइज़ की बात करें तो 5 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, 6 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। और बाथरूम के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि आपका स्टेयर रूम है। यदि हम स्टेयर रूम के साइज़ की बात करें तो 12 फीट 6 इंच में आपका स्टेयर है। यहाँ से आप छत के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर छत के ऊपर पहुँच जाएंगे। और स्टेयर के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि ये पूरा ओपन एरिया है। और यदि हम इस एरिया की बात करें तो 4 फीट 3 इंच यह एरिया भी आपका ओपन होगा। स्टेयर के बाद बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बेडरूम दिया गया है। यदि हम बेडरूम के साइज़ की बात करें तो 12 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और 9 फीट 1 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। और यदि हम सेकेंड बेडरूम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 12 फीट बाई 9 फीट है। 12 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और 9 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। और बेडरूम में आने जाने के लिए एक डोर यहाँ पर दिया गया है। और यदि हम विंडो की बात करें तो एक विंडो यहाँ पर है और दूसरे बेडरूम की विंडो यहाँ पर है और ये एरिया आपका बिल्कुल ओपन है। और यदि हम कॉलम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्लान में कॉलम मेंशन किया गया है। इस प्लान में 2 कॉलम छोड़कर सभी कॉलम स्क्वायर शेप के होंगे। यदि हम 2 कॉलम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सामने के 2 कॉलम आपके सर्कुलर यानी कि गोल शेप के होंगे। क्यों होंगे वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इस प्लान को इस डिज़ाइन में किस तरीके से बनाना है। यदि हम इस डिज़ाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि घर के फ्रंट भाग में एक बरामदा दिया गया है। और यदि हम इस प्लान की बात करें तो इस प्लान में भी आप देख सकते हैं कि 15 यानी कि 15 फीट बाई 9 फीट का एक बरामदा हमने दिया हुआ है। तो आपको ये बरामदा बना लेना है। और इसके साथ साथ इस बरामदे में आप देख सकते हैं कि 2 गोल कॉलम दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये आपका पहला गोल कॉलम है और ये दूसरा गोल कॉलम है। तो इस प्लान में भी आप बिल्कुल आगे देख सकते हैं कि हमने ये वाला और ये वाला कॉलम बिल्कुल गोल दिया है। तो आपको भी ये दोनों कॉलम सर्कुलर शेप में बना लेने हैं। और यदि हम कॉलम के हाइट की बात करें तो 10 फीट कॉलम का हाइट होगा। बरामदे के बाद आप देख सकते हैं कि इस डिज़ाइन में बरामदे से सटा हुआ एक रूम है। और इस प्लान की बात करें तो इस प्लान में भी आप देख सकते हैं कि बरामदे से सटा हुआ हमने एक किचन रूम दिया हुआ है, जो कि आपको बरामदे से 4 फीट 2 इंच पीछे बनाना है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये आपका बरामदा है और बरामदे से पीछे एक रूम बना हुआ है। तो आपको बरामदे से 4 फीट 2 इंच पीछे ये रूम बनाना है। और इस रूम के बिल्कुल फ्रंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक खिड़की दी गई है, विंडो दी गई है। और इस प्लान में भी आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक विंडो दी है। यदि हम विंडो के साइज की बात करें तो 4 फीट बाई 5 फीट है। विंडो यानी कि खिड़की लगाने के बाद खिड़की के ऊपर सनसेट निकालकर सनसेट का जो कॉर्नर है उसको पिंक कलर में पेंट कर दिया गया है। तो आप भी इसी तरीके से विंडो बनाकर विंडो के ऊपर सनसेट लगाकर पिंक कर लेंगे। नेक्स्ट यदि हम ऊपर के डिजाइनिंग की बात करें तो ऊपर की ये सभी डिजाइन स्लैब की ढलाई करते समय बनाई गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले सीधा बनाया गया, फिर आर्क में बनाया गया, फिर सीधा बनाया गया।
तो स्लैब की ढलाई करते समय मिस्त्री आराम से यह डिजाइन बना देगा। और पिंक कलर में आपको जो डिजाइन दिख रही है, एक दो लेयर ऊपर नीचे जो आपको दिख रही है, ये लेयर स्लैब की ढलाई करने से पहले पीओपी के माध्यम से बनाई जाती है, तो कोई भी मिस्त्री आराम से यह डिजाइन बना देगा। इसी तरीके से स्लैब की ढलाई करते समय यहाँ पर भी डिजाइन बनाई गई है, तो स्लैब ढलाई करते समय ये सभी डिजाइन बना ली जाएगी। डिजाइन बनाने के बाद घर को सबसे पहले व्हाइट में पेंट किया जाएगा। व्हाइट में पेंट करने के बाद घर का जो बॉर्डर है, ये सभी बॉर्डर एरिया जो है, ये सब पिंक में कलर कर दिया जाएगा, तो सेम टू सेम यही घर आपको दिखने में मिलेगा। नेक्स्ट, यदि हम ऊपर के पैरापेट रेलिंग की बात करें तो यहाँ पर आयरन रेलिंग का उपयोग किया गया है, तो आपको भी बिल्डर की हेल्प से यह रेलिंग बनवा लेनी है। रेलिंग के बाद यदि हम ये नीचे वाली डिजाइनिंग की बात करें तो पेंट करते समय जहां पर भी लाइट है वहां पर पीओपी की गोल डिजाइन बनाई गई, और गोल डिजाइन बनाने के बाद उसको पिंक कलर में पेंट कर दिया गया है। और पेंटिंग करते समय सबसे पहले पूरे घर को जो है व्हाइट में पेंट किया गया। व्हाइट में पेंट करने के बाद जो बॉर्डर एरिया है, जैसे आप देख सकते हैं ये बॉर्डर है, ये कॉलम का बॉर्डर और ये वाला बॉर्डर, इन सभी को पिंक कलर में पेंट कर दिया गया है। तो आपको भी सेम टू सेम यही करना है, सबसे पहले पूरे घर को व्हाइट में पेंट करना है। व्हाइट में पेंट करने के बाद जो बॉर्डर एरिया है इसको पिंक में पेंट कर देना है, तो आपका घर सेम टू सेम इसी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आप घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी कंसल्टेंसी में कॉन्टैक्ट करके घर का नक्शा बनवा सकते हैं। कंसल्टेंसी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।